वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISCS वीडियो ट्यूटोरियल। ISCS वीडियो ट्यूटोरियल के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रैपिड फायर राउंड शुरू करने से पहले हम लोग पिछले रैपिड फायर राउंड के आखिरी सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले रैपिड फायर राउंड का सवाल जो आपसे आपके लिए छोड़ दिया गया था, वो सवाल है, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा, सफ़ेद, लाल, हरा या फिर काला। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, काला। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख या फिर क्यो वारंटो। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है? स्वर्ण, SDR, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या फिर मालवा। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मालवा। दोस्तों, मालवा को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार हैं? वराह मिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वराह मिहिर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? डॉक्टर KV पुटप्पा, जी शंकर कुरूप, ताकाजी शिवशंकर पिल्ले या MT वासुदेवन नायर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जी शंकर कुरूप, जो कि एक मलयालम साहित्यकार हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स। येसेमाइट क्या है? नदी, चोटी, झरना या फिर बांध। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, झरना। दोस्तों, येसेमाइट कैलिफोर्निया के येसेमाइट नेशनल पार्क में स्थित एक झरना है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेवन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? 1972, 1975, 1977 और 1979। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1975, 1975 ईस्वी में। दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह या फिर ध्वज सत्याग्रह। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ध्वज सत्याग्रह।
दोस्तों नागपुर में वर्ष 1927 में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यह सत्याग्रह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा के महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर बल दिया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या फिर थेरावाद? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर, जो कि जैन धर्म के दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में से एक है, दिगंबर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी? जोसेफ फ्यूरियर, एपीजे अब्दुल कलाम, एम एस स्वामीनाथन, रिचेल कार्लसन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ फ्यूरियर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? एल्यूमिनियम फास्फाइड, मिथेल ब्रोमाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MICB कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड वेवेल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल या फिर एस्ट्रॉल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन। दोस्तों थायरोक्सिन के अधिक स्राव होने से दिल की धड़कन, रक्तचाप बढ़ जाता है और सब बहुत ज्यादा स्राव होने से बेचैनी बढ़ जाती है और हार्ट अटैक होने की भी संभावना बनी रहती है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? लोवेल, म्यूर, मैरियट या फिर बैगहॉट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, म्यूर, यानी कि रामजे म्यूर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? शाख, झाड़ी, छोटा वृक्ष या फिर बहुत बड़ा वृक्ष? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, झाड़ी। दोस्तों कोको और चॉकलेट के पौधे झाड़ी रूप के पौधे होते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन या फिर आगन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। दोस्तों उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस या फिर नोबल गैस। दोस्तों इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर हीलियम, नियोन और आर्गन, ये तीनों क्या है? अक्रिय गैस हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर या फिर मैक्सिको की खाड़ी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या फिर स्लेट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोयला। तो कोयला को क्या कहते हैं? जैव शैल कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। महारंध यानी कि फोरामेन मैग्नम जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कान, फेफड़ा, मेखला या फिर कपाल?
दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कपाल यानी कि खोपड़ी। दोस्तों मानव के खोपड़ी को शरीर के धड़ से कौन जोड़ता है, फोरामन मैग्नम एक द्वारक होता है जिससे होकर सारे न्यूरॉन्स, ब्लड वेसल्स और सारे कनेक्शंस जितने भी होते हैं वो उसी फोरामन मैग्नम होकर ही जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फोरामन मैग्नम जो हमारे स्कल को हमारे धड़ से जोड़ता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर अवध के नवाब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। जैव विविधता पर सम्मेलन का सचिवालय कहां स्थित था, लंदन, मॉन्ट्रियल, इटली या फिर टोरंटो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत, गायन, बॉक्सिंग या फिर अभिनय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संगीत यानी कि म्यूजिक। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। समष्टि अर्थशास्त्र में किस मूल समस्या का अध्ययन किया जाता है, आय का उत्पादन, आय का प्रयोग, आय का प्रवाह या फिर आय का वितरण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आय का प्रवाह यानी कि इनफ्लो ऑफ, यानी कि फ्लो ऑफ इनकम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव, बाजीराव, माधवराव या फिर बालाजी विश्वनाथ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव। नाउ दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का रैपिड फायर राउंड समाप्त होता है। हम कल फिर उपस्थित होंगे 25 सवालों को लेकर, और 25वें सवाल के आखिर में हम आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको रैपिड फायर राउंड के दोस्तों आखिर में हम आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के देखते हैं आज का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज का सवाल है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, और इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें। दोस्तों इससे सभी लोगों को फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का रैपिड फायर राउंड यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक दोस्तों वीडियो देखते रहें और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट।